मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने YouTube चैनल के सीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के मेरे टैली ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है बजट एंड कंट्रोल। टैली में बजट एंड कंट्रोल ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा हम अपने व्यापार के खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। बजट का अगर हम वैसे देखें तो बजट को हम क्या कहते हैं, आने वाले खर्चों का, किसी भी व्यापार में आने वाले खर्चों का पूर्व अनुमान लगाना ही बजट कहलाता है। बजट के द्वारा हम अपने व्यापार के खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपके तौर पर आप समझें, जैसे आपके घर में या आपका आपके ग्रुप में कोई भी आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हो तो उसके लिए पहले ही आपको बजट क्रिएट करना पड़ता है। उसी तरीके से अपने व्यापार के खर्चों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक टारगेट सेट कर सकते हैं जिसके अंतर्गत हमें खर्चा करना होता है। तो टैली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है बजट एंड कंट्रोल, जिसके द्वारा अपने व्यापार के खर्चों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम आपको इस क्लास में कंप्लीट बजट कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, बजट की रिपोर्ट्स कैसे चेक की जाती हैं, वो सब कुछ मैं करके आज दिखाने वाला हूं आप लोगों को। तो बहुत ही केयरफुली आपको क्लास को करना है जिससे आपको कंप्लीट नॉलेज हो पावे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ करना चाहता हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तथा हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के पास आप शेयर जरूर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को अटेंड कर पाएं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर पर और बजट को कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करें। हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपके सामने टैली का गेटवे ऑफ टैली मेन विंडो ओपन है। तो सबसे फर्स्ट आज जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आज हम बजट एंड कंट्रोल आपको कंप्लीट टैली में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसकी वेरियंस रिपोर्ट्स कैसे चेक की जाती हैं, टैली में बजट का यूज़ क्या है, वो कंप्लीट मैं आज करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो इसमें आप लोग बड़े ध्यान से बड़े केयरफुली आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको कंप्लीट नॉलेज हो पाए। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, टैली में हम बजट इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे फर्स्ट उसके ऑप्शन को हमें इनेबल करना होता है, एक्टिव करना होता है। तो हम सबसे फर्स्ट F11 करके जाते हैं फीचर्स पर, अकाउंटिंग फीचर पर क्लिक करते हैं। यहाँ से एंटर करते हुए हम नीचे चले जाते हैं, ऑप्शन है बजट एंड सिनेरियो मैनेजर, इसके अंतर्गत मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, ये ऑप्शन हम यस कर लेते हैं, एंटर करते हैं, एक्सेप्ट करा लेते हैं। हम चाहें तो कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करें या फिर हम एंटर करते हुए कर लें, हम बैक आ जाते हैं। अब आप देख पा रहे हैं हम आ गए हैं अकाउंट्स इन्फो, हम गेटवे ऑफ टैली के मेन मेनू पर हैं जिसमें अकाउंट इन्फो के अंतर्गत हम जाएंगे, एंटर करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ बजट ऑप्शन आ गया है, हम चलते हैं सबसे फर्स्ट बजट क्रिएट करते हैं। बजट बनाने से पहले हमें कुछ लेजर्स बनाने होते हैं, तो चूंकि मैं इसमें पहले से लेजर बना के आपको मैं दिखाऊँ, मैंने कुछ लेजर्स बना रखे हैं। चूँकि हम जो बजट तैयार करेंगे वो एक्सपेंसेस पर करेंगे, हम बजट पर क्लिक करते हैं, क्रिएट करते हैं। जैसा मेरा कंपनी है ऑफिस बजट, तो उसी से अकॉर्डिंग हम बजट इसमें आपको बताएंगे। चूंकि हम एक एज एग्जांपल आपको समझा रहे हैं कि बजट को हम कैसे यूज़ करते हैं, बजट ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने व्यापार में खर्चों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपना एक गोल कैसे सेट कर सकते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट यहाँ लिखते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस बजट, एक्सपेंस पर हम बजट बना रहे हैं तो हम ऑफिस एक्सपेंसेस बजट कर देते हैं, एंटर करते आते हैं। आप देख पा रहे हैं पीरियड ऑफ बजट, पीरियड ऑफ बजट में हम बजट का एक पीरियड सेट करते हैं। हम चाहे तो मंथली यूज कर सकते हैं, मंथली बजट सेट कर सकते हैं, क्वार्टरली सेट कर सकते हैं, ईयरली सेट कर सकते हैं। तो चूंकि हमारी कंपनी का जो पीरियड है 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक का, तो इसमें हम क्वार्टरली सेट कर ले रहे हैं 1/4/2020 से। हम मान लीजिए फर्स्ट को हम सैलरी वगैरह देते हैं तो हम 1/7/2020 कर लिया हमने, हम 30 जून भी कर सकते थे। आप देख रहे हैं सेट अल्टर बजट, इसमें देख रहे हैं ग्रुप्स एंड लेजर्स, बजट को सेट का अल्टर करना, सुधार करने के लिए, सेट करने के लिए हम यहाँ से यूज करते हैं। ग्रुप में हम जाते हैं, यहाँ पर हम यस करते हैं, एंटर करते हैं, तो आपके सामने ग्रुप बजट अंडर ऑफिस बजट खुल करके आ गया है। ये इसका पीरियड भी शो कर रहा है, इसमें अकाउंट नेम, टाइप ऑफ बजट एंड अमाउंट। तो हम सबसे फर्स्ट यहाँ ग्रुप, हम यहाँ स्पेस बार प्रेस करेंगे तो हमारे पास ग्रुप लिस्ट आ जाएगी। चूंकि हम एक्सपेंस बजट बना रहे हैं तो हम यहाँ पर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ चुनेंगे। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि बजट को हम डे वाइज, मंथ वाइज, ईयरली हम बजट को चेक करते हैं।
अगर हमें डे वाइज भी बजट चेक करना है एक्सपेंसेस का, तो हम ऑन ट्रांजेक्शन रखेंगे, क्योंकि ऑन नेट ट्रांजेक्शन ऑप्शन के द्वारा हम डे बाई डे का हम एक्सपेंसेस चेक कर सकते हैं। अगर हम ऑन क्लोजिंग बैलेंस करेंगे तो एसेट्स वगैरह पर या बैलेंस शीट के ही ऑप्शन पर लगता है ज्यादातर करके, सेंड्री रेटर वगैरह पे हम इसको करके दिखाएंगे। इसमें मैं आप लोगों को ऑन नेट ट्रांजेक्शन या ऑन क्लोजिंग बैलेंस दोनों तरीके से बजट को हम इम्प्लीमेंट करके इसमें आपको दिखाएंगे तथा इसका वेरियंस आपका को चेक कराएंगे। चलते हैं ऑन नेट ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए हम अपना 3 मंथ्स में 50,000 यूज करते हैं। अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी देना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप भी दे सकते हैं। यहाँ भी हमने ऑन नेट ट्रांजेक्शन कर दिया, या इस पर हम ऑन क्लोजिंग करें, चूंकि ये डे बाई डे चेंज नहीं होता है, क्योंकि ऑन जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है उसे प्रत्यक्ष खर्चा कहते हैं। यहाँ हमने डाल दिया अपना 10,000, एंटर किया। हम एक सेंड्री डेटर ग्रुप चुन लेते हैं ऑन क्लोजिंग के लिए। सेंड्री डेटर चुन लिया और यहां पर हमने कर लिया ऑन क्लोजिंग बैलेंस। हमने डेटर को दे दिया 1 लाख, एंटर करते हैं। हमने ग्रुप पर सेट कर लिया। अब हम जैसे एक्सपेंसेस करते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसमें कौन कौन सा एक्सपेंस हम करते हैं। हम डायरेक्ट एक्सपेंस कर रहे हैं तो किस टाइप का, चूंकि बहुत टाइप के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो हम यहाँ लेजर सेट करेंगे। जैसे हमने सेंड्री डेटर दिया तो हम किस डेटर को, अपने किस पार्टी को या किस कस्टमर को हम माल बेच रहे हैं उसका हम यहाँ पर लेजर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एस करते हैं और लेजर सेट कर लेते हैं। हम सबसे फर्स्ट, चूंकि हम लेजर बना चुके हैं तो यहाँ लेजर बजट खुल करके आए। इसमें देखिए स्पेस बार प्रेस करते ही लेजर लिस्ट आ गई। अगर आपने नहीं बनाया है तो अल्ट सी प्रेस करके आप इसमें डायरेक्ट बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर चुन लिया सैलरी ऑन नेट ट्रांजेक्शन, सैलरी को हमने दे दिया 30,000। रेंट चुन लिया हमने ऑन नेट ट्रांजेक्शन, रेंट को हमने दे दिया 20, चूंकि वही हमारा जो 50,000 था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको हमने 30 और 20,000 में डिवाइड कर लिया। हम डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेस हमने दे दिया ऑन क्लोजिंग करके, पूरा 10,000 हमने इसको दे दिया, चूंकि हम एक ही डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने दिया है। यहां पर हम एक डेटर भी चुन लेते हैं अपना, इसे हम ऑन क्लोजिंग बैलेंस में करते हैं। इस डेटर के लिए हम कितना अमाउंट रखे हैं, मान लीजिए 1 लाख एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहां से मैंने ये बजट क्रिएट कर लिया है, एंटर करके हम आ जाते हैं। हम चलते हैं कुछ एंट्रीज को पोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम कुछ भी लेन देन नहीं करेंगे तो वहां आपको कंप्लीट रिपोर्ट शो नहीं होगी। तो हम इसके लिए चलते हैं, थोड़ी सी एंट्रीज को पोस्ट कर लेते हैं। चूंकि एक्सपेंसेस करना है तो हमारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो पेमेंट वाउचर में हम करते हैं। F5 प्रेस करके हम पेमेंट वाउचर पे आ गए। हम एक ही में लगभग एंट्रीज को पोस्ट कर ले रहे हैं। हम ये एंट्रीज को अपना 1 मई में पोस्ट करते हैं, क्योंकि 1 मंथ बाद हम सैलरी देते हैं। 1 मई को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सैलरी चुना, मान लीजिए सैलरी हमने कर दिया 15,000 रुपये। हम इसी में सारी एंट्रीज पोस्ट करके आपको दिखा दे रहे हैं इकट्ठे, जिससे वीडियो बहुत लंबी ना जाए। समझना हमें वही, चाहे हम अलग अलग एंट्रीज पोस्ट करें चाहे हम एक में करके दिखा देते हैं, क्योंकि जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें उसको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। यहाँ से हम चलते हैं, रेंट कर लिया हमने, मान लीजिए रेंट हमने 8,000 कर दिया। फिर हमें डी आर हमें करना, सारे जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट में जाते हैं, तो हम डी प्रेस करके डी आर ला सकते हैं। इसमें हमने यहाँ पर वेजेस कर लिया, मान लीजिए वेजेस जो है मेरा 2,500 रुपये जा रहा है, एंटर किया। अब हम यहाँ करते हैं कैश, क्योंकि हम कैश में ही भुगतान करते हैं। कैश करके इकट्ठा मैंने सारे वाउचर कर लिए, एक्सेप्ट कर लिया। अब हम एक सेंड्री डेटर का एक माल बेचने की भी एंट्री मैं कर लेता हूँ। उसमें सेल्स वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर हमने कोई भी रेफरेंस नंबर दे दिया, एंटर किया। पार्टी मैंने रजत कर दिया। सेल्स लेजर चुन लिया हमने। आइटम हमारे पास नहीं है तो हम एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। हमने यहाँ चुन लिया, प्राइमरी में डाल दिया, TCS कर लिया, कंट्रोल ले करके मैंने इसे सेव कर लिया। मान लीजिए हम
5 पीस सेल कर रहे हैं इनको, मेरे पास स्टॉक नहीं है ऐसा इसमें बता रहा है, चूँकि माइनस में दे रहा है। मैंने यहाँ पर 8500 रख लिया, ये मैंने एंट्री पोस्ट कर ली यहाँ पर, न्यू रेफरेंस में डाल दिया, 01 है, 30 डेज मैंने यहाँ दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया। आपने देखा मैंने कुछ एंट्रीज को पोस्ट कर लिया। अब हम चलते हैं बजट रिपोर्ट चेक करते हैं, डिस्प्ले पर आ जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में हम जाएंगे और हमें बजट रिपोर्ट चेक करना है तो हम यहां से अल्ट बी प्रेस करेंगे, या फिर हम जहां बटन बार पे आप देख पा रहे हैं यहां से हम बजट वेरिएंस पर क्लिक करें, या फिर हम यहां से अल्ट बी कर दें। अल्ट बी हमने प्रेस किया, वेरिएंस एनालिसिस ऑप्शन आ गया, इसमें अपना हम जो ऑफिस एक्सपेंस बजट बनाया हमने उसको हम चुनते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ सबसे फर्स्ट हम डेट सेट करते हैं, पहले हम आपको कंप्लीट पीरियड सेट करके दिखाते हैं, वन जो मैंने 3 मंथ्स का लिया था, फिर मैं आपको एक एक चेक करके दिखाऊंगा तो आपके समझ में बात आ जाएगी आसानी से। आप देख रहे हैं ऑफिस बजट में हम हैं, ये आपका मेन 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का जो पीरियड है ऑफिस एक्सपेंस बजट क्लोजिंग बैलेंस, जो मैंने आपका बजट वहाँ दिया है 1 लाख हमने सैलरी डेटर में दिया था जो करंट एसेट्स के अंतर्गत दिख रहा है आपका, डायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने 10,000 दिया था तथा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमने 50,000 दिया था। ये हमने जो खर्चा किया है, एक्चुअल खर्चा जो मेरा है, आप देख रहे हैं एक्चुअल लिखा हुआ है, तो एक्चुअल खर्चा जो हमने किया है 2500 रुपये मैंने वेजेस किया था, यहाँ हम एंटर करके चेक भी कर सकते हैं क्या मैंने खर्चा किया था, वेजेस किया था, हम बैक आ जाएंगे, 2500 रुपये वेजेस किया तथा 23,000 रुपये मेरा कुल सैलरी और रेंट मिला करके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ से बैक करके आ जाते हैं, यहाँ पूरा जो आपका रेंट तथा सैलरी पर है कितना कितना किया वो दिखा रहा है, बजट का कितना कितना परसेंट है वो यहाँ पर शो कर रहा है। हम बैक आ जाते हैं, हमारा जो क्लोजिंग बजट है, जो क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास बचा है, 10,000 में से 2500 मैंने खर्च किया तो 7500 बचा हुआ है, और 50,000 में से 23,000 हमने खर्च कर दिया तो 27,000 ये हमारे पास अभी है जो हमें खर्च करना है, तथा जो हमारा यहाँ आप देख रहे हैं 1 लाख शो कर रहा है। अगर हम यहाँ एंटर करते हैं तो हमारा सैंडी डेटर का बैलेंस आपको यहाँ दिखाएगा, यहाँ जो हमारा एक्चुअल था 1 लाख दिया था मैंने सैंडी डेटर को, 42,500 का मैंने इन्हें माल बेच दिया है, अभी इनका मेरे पास में इन्हें अभी 57,500 का सामान उधार मिल सकता है, माल उधार मिल सकता है, क्योंकि इनका जो मैंने बजट इनके लिए उधार देने का जो बजट बनाया है वो 1 लाख दिया, जिसमें इन्होंने केवल 42,500 का सामान अभी लिया है, इसमें 42.50% दिखा रहा है और 57.50% अभी इनका मेरे पास, मैं इतना अभी इनको उधार मिल सकता है। तो ये है आपका ऑन क्लोजिंग बैलेंस के हिसाब से आपने इसको देखा। अब हम आपको डे वाइज, जो मैंने बोला था कि ऑन नेट ट्रांजेक्शन जिसका जिसका मैंने ग्रुप दिया है, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मैंने ऑन नेट ट्रांजेक्शन करके दिया है, तो उसका मैं डे वाइज आपको दिखाता हूं कि डे वाइज कैसे ये कटता है। तो आप देखें, 1 मई को हमने माल बेचा था, यहां हम जाते हैं, हम 1 अप्रैल कर लेते हैं क्योंकि पर डे का हमें चेक करना है। आप देख पा रहे हैं यहां पर 543.48 रुपए दिखा रहा है। अगर हम यहाँ एंटर करें तो इसमें कंफर्म होगा आपका कि 217 रुपए जो हमारा एक्सपेंसेस हमने किया है, जो हमने बैलेंस दे रखा है, इसमें जो हमने क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 50,000 में से 30,000 सैलरी का और 20,000 रेंट का, तो 3 महीने का जो आपका क्वार्टरली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो 3 महीने के हिसाब से पर डे के हिसाब से 217.39 रुपए रेंट हमारा बन रहा है पूरे 3 महीने का, और सैलरी 326 रुपए पर डे के हिसाब से बन रहा है जो हमने उसका पीरियड भी रखा है उस हिसाब से। तो यह है डे वाइज रिपोर्ट। अगर हम ऑन नेट ट्रांजेक्शन, चूंकि हमने केवल इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऑन नेट ट्रांजेक्शन सेट कर रखा था टाइप ऑफ बजट में, तो वो देखिए डे वाइज ये शो कर रहा है, 1 दिन का बजट ये शो कर रहा है। अगर हम इसे पूरे मंथ का चाहते हैं तो यहां से हम जाते हैं पीरियड सेट करते हैं, 1/5 कर लेते हैं, और पूरे मंथ का आप देखेंगे 16,847.83 रुपए दिखा रहा है। अब इसमें कितना रेंट है और कितना सैलरी है, चूंकि हमने 2 बना रखा है, 6,739 रुपए ये पूरे महीने का बन रहा है, और ये 10,108 रुपए महीने का बन रहा है जो हमने एक्सपेंसेस किया हुआ है 15,000 उसके अकॉर्डिंग।
इस 15,000 और इस 8,000 के अकॉर्डिंग ये इसमें दिखा रहा है एक मंथ का। तो इस तरह से हम अपने बजट को ट्रांसपेरेंटली चेक कर सकते हैं वेरिएंस रिपोर्ट के माध्यम से। उसका आप देख रहे हैं जो बजट वेरिएंस है कितना बचा हुआ है, इसमें ये माइनस में दिखा रहा है। मंथली के हिसाब से मैंने जो ज़्यादा कर रखा है उस हिसाब से इसमें देखिए माइनस में दिखा रहा है, क्योंकि ये पूरे बजट को उस 30,000 और 20,000 को, 20,000 और 30,000 का जो बैलेंस इसके लिए दिया गया है उसको पूरे 3 महीने के लिए डिवाइड किया उसने, तो उस हिसाब से 1 महीने में जो मैंने खर्चा किया है वो इतना मैंने माइनस में खर्चा किया। इस तरह से अगर मैं 3 महीने खर्चा करूंगा तो हमारा बजट जो हो जाएगा ओवर बजट चला जाएगा। अंडर बजट और ओवर बजट का क्या मतलब होता है, जो हमने यहाँ पर दे रखा है ये जो लिमिट होती है ये हमारा, अगर 10,000 जैसे मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस में दिया है, अगर 3 महीने के अंदर 10,000 के अंदर ही हमने खर्चा किया उसमें से कुछ हमने बचाया तो हमारा अंडर बजट कहा जाता है। अगर हमने डायरेक्ट एक्सपेंस में या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जो भी दिया है उससे ज्यादा अगर हम खर्चा कर देते हैं तो वो ओवर बजट कहा जाता है। और उस अपने दिए हुए अमाउंट, जो मैंने अनुमानित अमाउंट दिया, ऐसा नहीं है कि बजट ओवर नहीं जा सकता, क्योंकि हमने एक अनुमान लगा करके बजट, अपने खर्चे का बजट बनाया हुआ है। अगर वो बढ़ रहा है तो वो ओवर बजट कहा जाता है, अगर वो घट रहा है तो वो आपका अंडर बजट कहा जाता है। तो इस तरह से आपने डे वाइज, मंथ वाइज और क्वार्टरली आपने रिपोर्ट को चेक किया, देखा, तो हमारे हिसाब से आपको इस ट्रांसपेरेंटली तरीके से जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी। जैसे अभी आपके सामने 1 महीने का बजट इसमें दिख रहा है तो 16,847.83 रुपए जो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रेंट और सैलरी आपने खर्चा किया है उस हिसाब से 16,847 खर्चा किया। कुल आपने जो टोटल खर्चा किया है ये पूरे मंथ का दिखा रहा है और ये आपने जो खर्चा किया हुआ वो बता रहा है, कुल 23,000 आपने किया है और आपका इसके हिसाब से वन मंथ के हिसाब से आप इतने माइनस में, इतना ओवर गए हुए हैं आप। लेकिन अगर आप बैक जा करके कंप्लीट बजट को अगर आप चेक करेंगे तो आप अभी आपको जो खर्चा करना है, अगर हम यहाँ पूरा पीरियड सेट कर देते हैं जो हमने क्वार्टरली बजट का पीरियड दिया है तो आप देखें अभी आपके पास जो बचा हुआ अमाउंट है इसमें आपका जो बचा हुआ है 7,500 रुपए और इसमें आपका 27,000 रुपए बचा हुआ है। तो ये भी आपको खर्च करना है 3 महीने के अंदर, क्योंकि वन मंथ का आपने केवल अभी एक्सपेंसेस दिखाया है। तो जिस हिसाब से आप खर्च कर रहे हो अगर वैसे ही खर्चा करते रहोगे तो आपका बजट ओवर चला जाएगा। अगर आप खर्चा को अभी अपने अमाउंट को देखते हुए, अपने लिमिटेशन को देखते हुए अगर आप खर्चे को कम करेंगे तो आप अंडर बजट में रहेंगे। तो आज मैंने आप लोगों को कंप्लीट बजट का को बताया, उसकी वेरिएंस रिपोर्ट आपको चेक कराई, मेरे अकॉर्डिंग आपने कंप्लीट इसको देखा। अगर आपने इसको केयरफुली देखा हुआ है, समझा है, तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, फिर उस पर मैं आपको उसका सजेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। इस पर कॉस्ट सेंटर्स बजट भी अप्लाई किया जा सकता है, जैसे हम ग्रुप वाइज करते हैं, लेजर वाइज करते हैं, वैसे हम कॉस्ट सेंटर बजट भी क्रिएट करते हैं किसी भी कंपनी के, अलग अलग सिस्टमैटिक ढंग से उसको हम कैटेगराइज करके बता सकते हैं, तो उसके लिए भी हम बजट क्रिएट करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।